हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ऑटरिंग में। लेकिन 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 अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो है शहनाज गिल। जी हाँ, शहनाज गिल। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद जिसको सबसे गहरा दुख हुआ है वो है शहनाज गिल। सिद्धार्थ और शहनाज इवन दिसंबर 2021 में शादी भी करने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद वे परेशान हो गई। पर उन्होंने कमबैक भी किया अपनी लाइफ में। सिद्धार्थ और शहनाज जो ये प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते थे वो हमें बिग बॉस 13 के दौरान देखने को मिला, और तब से लेकर अब तक ये दोनों साथ थे। वे इनके रिश्ता ऐसा ही बना हुआ था। आज इन दोनों के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड शेयर करते हैं, इसके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शहनाज के लाइफस्टाइल। शहनाज गिल का जन्म 1993 पंजाब चंडीगढ़ में हुआ था। वे बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी हैं और उनके बचपन में सारे नखरे उठाए गए हैं। वो अपने माँ बाप की जान थी और अपने भाई शहबाज की बहुत ही प्यारी थी। शहनाज गिल का निकनेम सना है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह खुश मिजाज है और स्वभाव से चुलबुली भी। शहनाज गिल ने अपनी स्टडीज लवली प्रोफेशनल कॉलेज ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट करी हैं। शहनाज पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही शहनाज को एक्टर बनने का सपना था, और इसी वजह से पढ़ाई खत्म होने के बाद शहनाज ने अपने एक्टर बनने के सपने पर फोकस करा। शहनाज ने अपना फोकस अपने कैरियर पर करा, और इसी के साथ 2000 शहनाज गिल ने अपना करियर मॉडलिंग में स्टार्टअप किया। उसके बाद शहनाज गिल ने एक म्यूजिक प्लेलिस्ट गाई जिसका नाम था शिव दी किताब सॉन्ग, और यही शहनाज के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शिव दी किताब सॉन्ग इतना हिट हो गया जिससे शहनाज को पंजाब की स्टार बना दिया गया, और ऐसे इसके बाद शहनाज ने कई सॉन्ग गाए जैसे कि माजे दी जट्टी, ये बेबी और अन्य। शहनाज ने अपने म्यूजिक और सिंगिंग करियर में इतनी अच्छी कमांड हासिल कर ली थी कि शहनाज ने अपनी आवाज से सभी को अपना दीवाना बना लिया था, और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन शहनाज इतनी जल्दी रुकने वालों में से नहीं थी। शहनाज ने अपना करियर एक्टिंग में भी आजमाया, और शहनाज ने एक पंजाबी मूवी करी जिसका नाम था काला शाह काला, लेकिन उसकी मेन लीड सरगुन मेहता थी और शहनाज सेकंड मेन लीड में थी। शहनाज गिल अपने करियर के दौरान एक छोटी सी कंट्रोवर्सी में भी पड़ गईं। एक रिपोर्टर द्वारा पूछने कि आपको कौन सी म्यूजिक एल्बम अच्छी नहीं लगती, तो शहनाज ने जवाब दिया कि मुझको हिमांशी खुराना की आई लाइक इट कम पसंद है, और इसी बात को लेकर वह कंट्रोवर्सी में पड़ गई, क्योंकि उस समय पे हिमांशी खुराना पंजाब की एक जानी मानी और अच्छी सिंगर थी। हिमांशी खुराना के एक लाइव सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि शहनाज ने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं पंजाब की स्टार हूँ, इसलिए मेरे नाम के साथ उसका नाम लिंकअप करने में शहनाज का ही फायदा होगा। पर शहनाज इस बात से एग्री नहीं थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा या हमारी ऑडियंस ही बताएगी कि क्या सही था क्या गलत। उसके बाद हिमांशी खुराना को बिग बॉस 13 में एज अ वाइल्ड कार्ड देखने पे शहनाज बहुत ही चौंक गई, और शुक्ला भी हिमांशी खुराना के साथ
बहुत ज्यादा बातचीत रखने लगे, जिससे शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में मनमुटाव भी आ गया। लेकिन ये बातचीत ज्यादा दिनों की नहीं थी और फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल एक साथ टाइप होके बिग बॉस में हम सभी को एंटरटेन करने लगे। शहनाज गिल अपना किसी भी गाने को गाने के लिए 5 लाख का चार्ज करती हैं, वह पर एपिसोड वह 3 लाख का चार्ज करती हैं। अब ये तो आप ही बताइए कि शहनाज गिल एक अच्छी सिंगर है या नहीं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।